साहब, हमारे चैनल पर आपको कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर आप हमारे यहाँ से 4 बार विजय हुए हैं और अब की बार राज्य मुख्यमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, इसके लिए उन सभी का भी आभार और आपको खूब खूब बधाई। धन्यवाद। सबसे बड़ा पहला कि झाडोल विधानसभा क्षेत्र के लिए पहला मौका है कि हमारे यहाँ से आप जैसे एक कर्मठ कार्यकर्ता, सामान्य रूप से काम करने वाले एक कार्यकर्ता को सरकार ने इस तरह का मौका दिया है। आप यहाँ की मूलभूत समस्याओं को भी जानते हैं और हर चीज से वाकिफ हैं कि किस तरह एक गरीब किसान कोटा क्षेत्र में रह रहा है, उसकी क्या समस्या है। सबसे पहली यहाँ पर समस्या है लोगों की विद्युत की समस्या। कोटड़ा में बिजली आती है कब ये पता नहीं चलता, और जाती है ये तो जरूर पता रहता है। तो 132 के भी पूर्व सरकार ने घोषणा तो कर रखी बजट घोषणा में, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, उसके बारे में कुछ। देखिए, बिजली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि कोटड़ा को दो तरह से बिजली प्राप्त होती है। जोधपुर डिस्कॉम से बिजली आती है और विद्युत सप्लाई का जिम्मेदारी है जो अजमेर डिस्कॉम की है। तो अब ये क्या है, यहाँ 132 के वी जीएसएस की घोषणा मुख्यमंत्री ने पिछले बार की, ये केवल वो घोषणा ही थी, केवल बाउंड्री बनाकर उन्होंने छोड़ दिया। अभी हम सरकार में आए 132 के वी जीएसएस भी बनाएंगे और जो गांव वंचित रह गए हैं और जो परिवार वंचित रह गए हैं उनको भी हम बिजली पहुँचाने का काम करेंगे। और बिजली की जो आपूर्ति है पहले के बनिस्पत सरकार बनने के बाद में सुधार हुआ है, और निश्चित रूप से हमने वादा किया हम 24 घंटा 7 दिन बिजली देंगे, वैसा प्रबंध हम करके और निश्चित रूप से बिजली को लेकर के जो समस्या है उसे जनता को राहत दिलाएंगे। और दूसरा सवाल यातायात व्यवस्था, जैसे कि कोटड़ा क्षेत्र में यातायात के लिए रोडवेज बसों की बिल्कुल न के बराबर व्यवस्था है। कई बार भर्ती परीक्षा होती है तो लोगों को यहाँ से निजी बसों के अंदर किराया दुगना देकर जाना पड़ता है, आना पड़ता है। जैसा कि कई बार आपने स्वयं ने भी अपने जेब खर्च से कर भर्ती और भर्ती परीक्षार्थियों को आपने भेजा है, उस बारे में भी जैसे कि थोड़ी रोडवेज की व्यवस्था हो जाए तो जिससे लोगों को अपने आवागमन के लिए सुविधा मिले। देखिए, रोडवेज यातायात की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट को रोडवेज की बसें चलानी चाहिए, उतनी बसें चलाई नहीं। बार बार हमारे आगे के बाद वो कहते हैं कि साहब हमारे पास बसें नहीं हैं, और बसें भी भेजते तो वो ऐसी खटरा बसें होती, लोगों को धक्का देना पड़ता, कहाँ खड़ी हो जाए कोई पता नहीं लगता था। अब निश्चित रूप से हम लोग सरकार में हैं तो हमारी प्राथमिकता ही रहेगी कि भाई पहले वसुंधरा जी की सरकार में, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस समय, ग्रामीण बस सेवा शुरू की थी, ऐसा ही हम ग्रामीणों को सुविधा के लिए ग्रामीण बस सेवा भी शुरू करने के बिल्कुल विचार करेंगे। और आज जो ग्रामीण है जो आने जाने के लिए प्राइवेट वाहनों में आता है, आर्थिक रूप से भी उनको ज़्यादा भार पड़ता है और ऊपर नीचे बैठ के आता है तो उसके जान माल की भी खतरा रहता है। हम लोग निश्चित रूप से इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। यहाँ की सड़क व्यवस्था भी बिल्कुल गांव के अंदर कमज़ोर है, कि जैसे कि बड़ी मुश्किल से 2-3 साल के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और बहुत बड़ा लोगों ने कई बार विरोध किया, तब जाकर देवला से कोटड़ा तक की सड़क न के बराबर बनी है, तो स्थिति उसकी गुणवत्ता भी नहीं है। इसी तरह गांवों की सड़कों की भी हालत खराब है। जब मुख्य सड़क इस स्थिति में है तो गांव की तो कल्पना सोचने से भी बाहर है, उस बारे में भी आपका प्रयास होना चाहिए। सड़कों को लेकर के काफ़ी हम लोग भी जाते आते रहते हैं तो परेशानी है, सरकार को इन सड़कों का सुधार करना चाहिए था, वो सुधार नहीं किया। अब हम लोग आए हैं तो निश्चित रूप से जो सड़कों का नवीनीकरण होना है उनको नवीनीकरण करेंगे। जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, जहाँ फॉरेस्ट का दिक्कत आती है, वहाँ पर हम फॉरेस्ट के साथ बैठ करके बातचीत करके और उनके भी रास्ते निकाल करके उन्हीं सड़कों को हम बनाने का प्रयास करेंगे, सड़कों की व्यवस्था को हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कि उमरिया, खाकरिया, बेड़ाधर ऐसी कुछ पंचायतें हैं, वहाँ पर वन विभाग की भूमि होने के कारण लोगों को आवागमन में इतनी आवागमन में परेशानी है कि लोग अपने बीमार मरीजों को झोले में डालकर लाने को मजबूर हैं।
अब आपसे बहुत बड़ी उम्मीद जगी है कि आप यहाँ से हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, तो लोगों को शायद ऐसा दिन न देखना पड़े। मेरी प्राथमिकता ये रहे कि ये जो वंचित गांव है, जो फॉरेस्ट के कानून की वजह से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको निश्चित रूप से जोड़ने का प्रयास करूँगा। मैं सरकार से भी बात करूँगा, डिपार्टमेंट से भी बात करके, और कहीं कहीं आपस में मिल करके कोई रास्ता निकाल करके उन लोगों तक बिजली और सड़क, पानी, ये तीनों चीज़ें हम पहुँचाने के पूरा प्रयास करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर लोगों को गुजरात पर निर्भर रहना पड़ता है। केवल यहाँ से उदयपुर पहुँचने के लिए लोगों को 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर कोटड़ा मुख्यालय होने के बावजूद भी लोगों को चिकित्सा सुविधा पूरी ढंग से मुहैया नहीं। यहाँ पर न तो बाल चिकित्सक है, न प्रसूता का कोई गायनेक चिकित्सक है, जिससे महिलाओं की समय पर डिलीवरी हो जाए और उनकी कुछ आरंभिक जांच भी हो, जिससे लोगों को समस्या न उठाने पड़े। कई बार ऐसी स्थिति बनती है जच्चा बच्चा दोनों को जान पे खतरा रहता है, ऐसे भी सुविधा के बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? देखिए, कोटड़ा बहुत उदयपुर से 125 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर विशेषज्ञों की सेवा है। हम प्रयास करेंगे कि जालौर और कोटड़ा में सेटेलाइट हॉस्पिटल करेंगे, तो उसमें जो विशेषज्ञ होने चाहिए सारे विशेषज्ञ होंगे। हॉस्पिटलों में जहाँ तक चिकित्सकों के पद रिक्त का सवाल है, तो उनको हम निश्चित रूप से प्राथमिकता से पूरा करके न यहाँ के लोगों को यहाँ ठीक प्रकार से सुविधा मिले, चिकित्सा सुविधा मिले, ऐसे हम प्रबंध करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड बनाना काम शुरू कर दिया। ये बहुत पहले से था, लेकिन राजस्थान में सरकार ने किया नहीं था, पिछली सरकार ने। अब हम लोग सरकार में हैं तो कैंपों में आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, तो गुजरात भी जाकर के निःशुल्क इलाज करा सकता है। सबसे बड़ी समस्या है कोटड़ा की, एक ज्वलंत समस्या है जिसमें लोगों को जीना दुभर हो गया है। जैसा आप भी जानते हैं, आपने भी आंदोलनों में भाग लिया, आपने भी काफ़ी विरोध किया है। चक सांड मारिया व गुजाना का बंद, लोगों को रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। ऐसे स्थिति में आप अब राज्य सरकार में हैं, तो उन लोगों के लिए राहत प्रदान करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, ये बांध पेयजल स्कीम है और ये पानी सारा का सारा जो जाएगा। हम लोगों का शुरू से इसका विरोध था, क्योंकि यहाँ के 9 पंचायतों के लोग प्रभावित होते हैं और 9 पंचायत लोग स्थापित होंगे तो उनका पूरा सही हो नहीं सकता है। निश्चित रूप से हम इन बातों के लिए भैया बांध नहीं बने और जगह से पानी ला करके जो उनको पानी पिलाना, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन लोगों को पानी पिलाने के लिए, जैसे गुजरात से हम पानी लेके आ रहे हैं, पिछली सरकार ने पानी लाया था, नर्मदा का पानी, गंग के नल का पानी दिया था, तो पानी लाकर उनको पानी पिलाएंगे। लेकिन यहाँ को लोगों का अपना विस्थापन न हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि अब आपके कैबिनेट मंत्री बनने के साथ ही सबसे बड़ी लोगों में ये आशा है कि कोटड़ा पर जो काला पानी का एक जो कलंक लगा हुआ है, वो अब धुलने के कगार पर है, ऐसी हमारी आशा है। बिल्कुल, हम कोटड़ा का जो कलंक है, इस कलंक को मिटा करके ही रहेंगे, क्योंकि कोटड़ा में जिस प्रकार की सुविधाओं से वो वंचित है कोटड़ा, और जिस प्रकार का विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो सारा करके कोटड़ा को निश्चित रूप से उस ऊपर उठाने काम करेंगे। धन्यवाद सर।